की तरह हमारे नौजवान और एक कर्मठ माता के सेवक नीतीश गुप्ता जी की अध्यक्षता में जम्मू से हर वर्ष ये जो यात्रा है चिट्टो माता की, जो कि 6 से 7 दिन की यात्रा है और उसके बाद में वहाँ पाडर में जो है माता रानी के दर्शन के बाद वहाँ पे यहाँ संपन्न होती है। मैं सभी भक्त जो कि नीतीश गुप्ता जी की अध्यक्षता में इस यात्रा में शामिल हुए हैं, इनका आभार प्रकट करता हूँ उनको। और हम यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति रहे, प्यार बना रहे और जो ये मिलिटेंसी है यहाँ से बिल्कुल गायब हो। और ख़ासकर हमारा जो नौजवान आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि नौजवान नशे की लत में पड़ रहे हैं, माता रानी उन पर भी आशीर्वाद बख्शे और वो इस लत से दूर रहें और राष्ट्र हित को और मजबूत करें, राष्ट्र निर्माण की तरफ चलें। मैं एक बार फिर नीतीश गुप्ता जी और इनके साथ में जितने श्रद्धालु हमारी बहनें माताएँ बुज़ुर्ग जो जा रहे हैं और
और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पहली बार नितिन जी की अध्यक्षता में हो रहा है कि जो ये यात्रा है निःशुल्क और फ्री जो लेके जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नितिन जी भी हमारे युवा वर्ग में एक अपनी एक नई पहचान और एक नई पहचान लेकर समाज में आए हैं। ऐसी ही जो सोच, जो भक्ति की सोच है, सभी नौजवानों में माता रानी डाले। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आप सभी जम्मू वासियों को सिंहासन माता चिट्टो पाटर वाली की पावन छड़ी यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े प्राचीन समय से जो है ये चिट्टो माता की यात्रा जो है वो ठाकुर चंद जी द्वारा चलाई जा रही है। चिशोदी निवासी ठाकुर चंद जी द्वारा उनके युगों युगों से ये यात्रा चलाई जा रही है। चिट्टो माता का स्थान जो है वो पाटर के क्षेत्र में है, एक सिद्ध पीठ है और यहाँ माता रानी आज भी साक्षात अपने दर्शन दिखाती है। किसी मूर्ति रूप में माता रानी के वहाँ दर्शन जो है वो उपलब्ध नहीं है। माता रानी वहाँ एक निरंकार रूप में, एक पर्दे के रूप में माता रानी वहाँ पर विराजमान है। और हर वर्ष 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ये है माता रानी की पावन छड़ी यात्रा जो है वो ठाकुर चंद जी की अगुवाई में जम्मू से चलाई जाती है। और मुख्य छड़ी जो है वो 9 तारीख को ठाकुर चंद जी के साथ गुलाबगढ़ में जाके जो है वो सम्मिलित होगी। तो आप सभी भक्तों से एक निवेदन करना चाहता हूँ और आप सभी भक्तों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें और माता की जो अनुकंपा है, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस विषय पर आपको ज़्यादा जानकारी जो है हमारे जनरल जोरावर सिंह जी जो है वो दे सकते हैं।